अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हैं जी आप लोग? आपका भाई, आपका दोस्त रफी भाई इज बैक ऑन योर ऑन माय यूट्यूब चैनल, नॉट योर यूट्यूब चैनल, बट हाँ आपके यूट्यूब वीडियो देख रहे हो जो लोग, उसके यूट्यूब पे आ रहा है आपका भाई। आपका भाई चौथा मोटा यूट्यूबर तो है नहीं, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। 40 लाख मिलियन सब्सक्राइबर है आपके भाई के, कोई करोड़ों मिलियन में व्यूज है और अरबों खरबों की आपके भाई की जायदादें बन गई हैं, क्योंकि आप लोग व्यूज इतने ज्यादा दे देते हो मुझे कि मैं इतना पैसा कमा के बैठ गए होंगे, मेरी करोड़ों खरबों रुपए की जायदाद बन गई है। लोग मुझसे सुनने लग गए हैं, वो फेक, वो क्या कहते हैं, लोग मेरे ऊपर वो डाल रहे हैं, रोज वीडियोस बन रही हैं, बहुत कुछ बन रहा है। आप लोग तो व्यूज ही इतने ज्यादा देते हो। आप लोग भी सोच रहे होंगे इतने दिनों से गायब क्यों है, क्योंकि आपका भाई बहुत बड़ा यूट्यूबर है, समझ रहे हो? जब बड़ा यूट्यूबर बन जाता है वो गायब हो जाते हैं। अब इस तुम लोगों को अब क्या कहे बंदा, पिछली वीडियो पे अच्छी बड़ी मेहनत की है मैंने, तुम लोगों को चाहिए था उसके ऊपर कोई, मेरे ख्याल से 1.3K तो मिनिमम यार व्यूज आने चाहिए हर वीडियो पे, 3K सब्सक्राइबर कर लिए हैं, अब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा। तुम लोग क्या कर रहे हो यार, कुछ तो कर दो, मेहनत इतनी मेहनत, बहुत मेहनत करता हूँ मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, वहां पे वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, क्या कहूँ। बस यहाँ से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया, बस ठीक है। तभी मेरा ना थोड़ा सा दिमाग घुमा हुआ है, अभी मैं कुछ गलत कह दूंगा आप लोगों को, आप लोग भी गुस्सा कर जाओगे, फिर आप लोगों ने भी मुझे जो 10 व्यूज दे देते हो वो भी नहीं देने, ना लाइक देने हैं। क्या कहूँ यार, अपसेट हो गया यार तुम लोगों से, तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ सारा दिन, स्पेशल व्लॉग के लिए तो मैं बाहर जाता हूँ, कोई काम तो करना नहीं होता मैंने, वो वैसे मैं बस फिरने जा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए व्लॉग के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं दुनिया मुझे क्या समझती है कि मैं सिर्फ व्लॉग के लिए निकलता हूँ यार, ऐसे मुझे कोई काम नहीं होता बाहर के, मैं घर में पड़ा रहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं तू वारागर्दी करता है व्लॉग के लिए, तू व्लॉग बनाने जा रहा है स्पेशल, यार ऐसे भी मैंने अगर 1000 काम करने हैं, घर से बाहर जाना है, अगर मैं उसको एज अ वीडियो में कन्वर्ट करके अपना कंटेंट निकाल रहा हूँ, तो इसमें कोई गलत है? लोग समझते हैं ये वो है, क्या कहते हैं उसे, वेलापन है, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। लेकिन अगर उनको आज ये पता चल जाए कि आपने अगर बाहर जाना है, कोई चीज़ देखनी है, अगर आप उसको एज अ वीडियो बना लेते हो साथ ही, अब मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने, मैंने वीडियो खोल के बना दी, सब्जी तो मैंने लानी है घर भाई, सब्जी तो लेके आनी है, अगर मैंने उसको वीडियो में डाल दी है तो क्या मेरा वो फ़ायदा नहीं है? बताओ ना, अगर मैंने वो आप लोगों को दिखाया, आप लोगों को अगर उसमें कोई मजाया चीज़ थी वो भी आप लोगों को नज़र आई, अगर मेरी वजह से कोई खुश हो रहा है तो ये क्या गलत है, बताएं? गलत है नहीं ना, तो क्यों लोग मुझे वो समझते हैं कि मैं वेला गलती कर रहा हूँ ये व्लॉगिंग करके? मैं बहुत ज़्यादा ना अपसेट हो चुका हूँ इन चीज़ों से, बहुत लोग मुझे ना फजूल किस्म से ना बात करके कि भाई तू स्पेशल फॉर व्लॉग के लिए बाहर जाता है, यार मैं 1000 काम होते हैं जो व्लॉग के अंदर तो मैं लाता ही नहीं हूँ। अगर मैं पूरे दिन की अपने वो दिखाने लग जाऊँ ना, मैं इधर जा रहा हूँ, 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 तो मेरी वीडियो तो भाई 1.5 घंटे की वीडियो हो, कोई देखेगा? मतलब बहुत छोटे छोटे काम दिखाता हूँ कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ कहीं फिरने, क्योंकि भाई कोई भी बंदा पूरा दिन घर नहीं रहता, ठीक है? अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मैं वो वीडियो में कन्वर्ट करके उसको एक व्लॉग के नाम पर अपलोड कर देता हूँ, अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं कामयाब हो दूंगा, नहीं चाहा तो एज अ शुगल मिला, काम चल रहा है। तो लोग क्यों इस चीज़ को अपना वो अपना इज्जत बना कर अपने दिल में बैठा लेते हैं कि भाई नहीं ये स्पेशल वारागर्दी करने जा रहा है, भाई ये स्पेशल वैसे कोई इसको काम नहीं है घर से बाहर, मुझे 100,000 काम ही होंगे ना, लोगों ने यही समझना। बेहतर है भाई कि आप लोग देख रहे हो, थैंक यू सो मच, देखो लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट आप लोगों के लिए खुले पड़े, लेकिन स्पेशल कॉल करके या मैसेज करके ये बात करना कि बेटा तू छोड़ दे, तेरा कोई इसमें फ्यूचर नहीं है, नहीं है, ठीक है, अभी तो मेरे ज़िंदगी का भी वो कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट, वो शुरू है,
अगर उसमें मैं कहीं ना कहीं मेहनत करता रहूंगा साथ साथ, क्या पता यहाँ ना चले, कोई और चीज़ में चल जाए। ये मेरे से ज़्यादा बहुत सारी दुनिया को पता है कि YouTube एक अच्छा भला इनकम प्लेटफॉर्म है। इससे लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए, इससे लोगों ने अपने वो घर बनाए हैं, गाड़ियाँ खरीदी हैं। तो अगर मैं करके अगर मैं कुछ कर पाया अपने फैमिली के लिए या अपने घर वालों के लिए या अपनी ज़ात के लिए, तो इसमें गलत क्या है? तो बेहतर ये है कि मुझे सपोर्ट कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, ना कि मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट करके कि मैं छोड़ ही दूँ। मैं वैसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं बड़ी वो कहते हैं ना डैश है हूँ कि मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ जब तक मेरा दिल ना उतरे उस चीज़ से मैं नहीं छोड़ता। मैं वो बंदा हूँ, ठीक है ना? मुझे कहने से वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ना आप लोगों को। तो बेहतर है अपना दिमाग ये ख़राब करने के बजाय मुझे सपोर्ट करो और मेरे लिए दुआ किया करो कि मैं कामयाब हो जाऊँ, ना कि मुझे डीमोटिवेट करो, क्योंकि मैं डीमोटिवेट होने वाले बंदों में नहीं हूँ। भाईजान अभी आपका भैया है अपनी 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 बनाई बिजनेस अपना बनाया हुआ शॉप पे। तो अभी मैं ना मेरी जो आपको बताया मोटरसाइकिल जो है वो लेवल किस्म की, जिसके अंदर 100-150 से ऊपर पेट्रोल नहीं लगवाता बंदा, इसमें मैंने ना 200 रुपये का जाके पेट्रोल ली है। और ये मेरे साथ उधर मैं कुत्तों वाली करके तो आया हूँ, लेकिन ये 200 रुपये का पेट्रोल है। ये अटोक का पंप था, ठीक है, अटोक का पंप है जिसके ऊपर ये ज़्यादती की गई है। 200 रुपये का पेट्रोल कम अज़ कम भी ना कम अज़ कम इतना होना चाहिए था मिनिमम, और ये इतना सा दिया गया। तो अभी आपका भाई जा रहा है जुमा शुमा पढ़ने के लिए। आपका भाई फुल रेडी शेडी हो गया, बाल छाल बना दिए हैं। तो कैसा लग रहा है वैसे आपका भाई? माशाल्लाह लगता है हमेशा हर बारी प्यारी है। तो अभी चलते हैं जुमा शुमा पढ़ने, उसके बाद के सीन पार्ट दिखाते हैं। वो पिछली बातों में यार ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, मुझे पता है वो दिल वाली बातें थी लेकिन नहीं लेना। तो निकलते हैं भाई, नमाज का टाइम हो गया। इंसान देखिए ये मेरे अंदर पानी पहुंचाने तक 6 के 6 खा चुका है। अब बताओ इसमें मैंने 1 खाया है, बाकी किधर है? मेहरबानी करना आप थोड़े खाना, चलो हम भी खा के देखते हैं। सो मजेदार, सो अग्रेसिव, जस्ट लुकिंग लाइक अ खाओ भाई खाते हैं क्योंकि मौसम तो बहुत बढ़िया है। बारिश हुई है नई रोड पे, देख लिया वहां हमने। हेलो जी, तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे दी एंड। तो जल्दी से करो लाइक सब्सक्राइब शेयर फेयर जो दिल करता है करके अपने भाई को कुछ कर दो। और आज व्लॉग ना आज नहीं, मतलब कि इतने दिनों से व्लॉग ना आने की वजह क्या थी? आपका भाई आजकल बहुत पढ़ने वाला बच्चा बना हुआ है, पढ़ रहा है पूरा दिन रात पढ़ रहा है। मुझे पता है कुछ लोग इस क्लिप को देख के मेरे पे थूकने वाले हैं क्योंकि उनको पता है मेरी करतूतें। नहीं यार, कुछ मसरूफियात थी, कुछ वजह थी जिस वजह व्लॉग नहीं बना पा रहा था, लेकिन मुझे पता है मेरी आवाम जो मुझे प्यार करती है वो मुझे देखना पसंद करती है, तो वो मुझे भी याद कर रही थी, तो मैंने उनके लिए व्लॉग डाल दिया। मुझे पता है छोटा सा व्लॉग है, चल सही होगी, थोड़ा सा स्कैम हुआ है। अमीर आदमी आपका भाई, लाखों करोड़ों रुपये की जायदाद है आपके भाई की। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड बाय।